बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज असी बनावांगे मूलियां जिहड़ियां इस सालन च इस्तेमाल हुंदियां ने और सलाद वगैरह च पैंदियां ने। वो 2 किलो मूलियां और 1.5 किलो गाजरां ने। यह नीचे कट्टियां होईयां ने, हुण इहनां दा पासा पलटांदे आं उपर नूं। ते पाओ नींबू ने, यह दरम्यान जिहना खटास भी आ जाएगी और टेस्ट भी इहनां बहुत अच्छा बन जाएगा। और 1 पाओ हरियां मिर्चां ने। यह 4 चीज़ों का अचार बनावांगे। इहदे वास्ते 5 तो 6 चम्मच नमक, बेशक पिंक नमक होवे या वाइट होवे, जिहड़ा भी कोई इस्तेमाल करता है, 5 तो 6 चम्मच नमक जिहड़ा ना इन्ने मटेरियल वास्ते पूरा हो जाता है। यह सुरख मिर्चा ने, 3 चम्मच सुरख मिर्चा ने, तकरीबन 2 चम्मच ये हल्दी होएगी, क्योंकि यह टेस्ट वास्ते भी लाजमी होंगे और ये ना वो हल्दी नाल वैसे भी सेहत वास्ते भी ज़्यादा बेहतर रहती है। यह मेथरे ने, मेरा ख्याल है कि कोई छटाक सारे होंगे या चम्मच के नाल अगर इनू नापया जाए तो कोई 4-5 चम्मच होंगे। अभी यह 4-5 चम्मच ही सौंफ है, असं इनू कुटांगे नहीं, इनू साबत ही इस्तेमाल करांगे। और यह कलवंजी है, 1 चम्मच कलवंजी है, ये भी ये ऐड होएगी। हुण असीं शुरू करन लगे अगे। हुण असीं है ना सारे मसाला जात मिक्स करांगे पहले, क्योंकि पहले मिक्स ना हो तो बाद चो ए ना अच्छे तरीके नाल मिक्स नहीं हो पाता है। यह नमक चला गया, ए सौंफ ऐड हो गई और कलवंजी चली गई, मेथरे चले गए और यह सुरख मिर्च और हल्दी। हूँ अच्छी असी इनू अच्छे तरीके ना मिक्स करांगे ताकि सही मिक्स हो जाए, तो फिर ये चीज़ें ऐड कर दें। इनू सही मिक्स करना है। मिक्स करन च जरा जनी भी कोताही नहीं चाहिए, कि हर पीस के नाल मसाला जात लगने चाहिए ने। अगर मसाले इन्हों के नाल ना लगे तो वह मतलब है कि खराबी पैदा होएगी, उल्ली पैदा होएगी ये और बासीपन की स्मैल आएगी। ये मसालों के नाल बिल्कुल ना फ्रैश रहेगा और यदि खुशबू भी माशाला बहुत सोहनी बनेगी। हुण ना साडा अचार बिल्कुल नज़र आ रहा है, मसाला सही लग गया होया, टोटली मसाला एक मिक्स हो गया है। हुण असी इहनू किसी बर्तन च पा के ढक के 2 दिन वास्ते छड्ड देंगे। इहदा पानी सही जिहड़ा ना वो निकल आएगा, फिर उस बाद इहनू छानने च पा के पानी रिमूव कर देंगे, तो बकाया जिहड़ा ना उहनू फिर तेल ऐड करांगे इहदे च। बाकी सारा बाल्टी च ऐड हो गया। हुण असी इह नींबू और मिर्चा इन्हों असी मिक्स करांगे और नींबूआं का तरीका यह होएगा कि हर नींबू दे विच मसाला अलग अलग ऐड किया जाएगा। यह सिर्फ यह नहीं है कि उत्ते उत्ते पा दिता और छड्ड दिता, इंज असी इहनू मसाला भर के, अगर ये मसाला ऐड ना किया जाए ये सारे पीसां दे नाल मसाला अटैच ना होए, यह तरीका होएगा मसाले का, ताकि कोई भी जिस तरह के टींडे भर के पकांदियां ना साड़ियां भैणां, इस अंदाज़ ना बनेगा। ये इहदा पानी भी अच्छे तरीके निकल जाएगा और इहदी जिहड़ी खटास है वह बाकी मटीरियल दे नाल मिल के टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा। हुण नींबूआं विच मसाला सारा ना ऐड हो गया। हुण असी मिर्चां नूं अच्छे तरीके नाल मिक्स करके ताकि हर मिर्च दे नाल मसाला ऐड हो जाए। हुण असी इहनूं भी बाल्टी विच ऐड कर देंगे। हम 2 दिन वास्ते इनू रखना है, लेकिन इनू छड़ना नहीं है, ये पासे नाल नाल पलटा ही जाने, दिन चो 1 तो 2 दफ़ा ये पासे सारे मटीरियल दे पलटाने ने। वो तो एवें ही फड़ के ना साइडां तो बाल्टी, तो जिस तरह चीज़ चावलों चूलों या देग नू पलटा दें ना, इंज पलटा देना इनू। 2 दिन बाद बकाया तुम दिखावे फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, साढ़े अचार नू हुण 2 दिन हो गए ने, तो हुण असी इनू पलटाने लगे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थले परात रखी है ताकि गंद ना पवे, सारा पानी यदा निकल जाएगा। तो इनू हम अस कम घंटा डेढ़ ना इन जी छानने के रखा। यह देखो कि सोहना गल गया है, नाखुन के नाल टुटन लग गई मूलिया। है हूँ इनू डेढ़ तो दो घंटे इंज ही पैर आंदे आगे ताकि पानी यदा ना सही खुश्क हो जाए। पानी रह जाए तो फिर वो खराब होने का खतरा होंगे। फिर असं इनू बाल्टी ऐड करके या किसी भी बर्तन च फिर सरसों का तेल पा देंगे। इन्ने अचार दे विच दो किलो मूलियां ने, डेढ़ किलो गाजरां पाओ, हरिया मिर्चा और पाओ ही नींबू ने। तो ये अद्धा किलो तेल भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिप करने की लोड़ नहीं है। हुण साढ़े अचार नू कुछ टाइम हो गया पिया हो, हुण असीं इहनू पा लवांगे, लेकिन सारा हाले बर्तन च नहीं पावांगे क्योंकि उपर उपर तो खुश्क हो आया काफ़ी हद तक, लेकिन जिहड़ा नीचे वाला हिस्सा है वह हाले भी पानी होएगा। तो उन्हूं हाले असीं 10-15 मिनट होर छड्ड देंगे ताकि पानी टोटली विचों निकल जाए। तो उस तो बाद असीं इहदे च तेल ऐड करांगे। यो अचार बनेगा फिर कि जड़ा ना भावें 2 साल तक रखी रखो ना, ये खराब नहीं होएगा बिल्कुल। जेडे लोग अमूमन देखे है कि वह सारिया सब्जियां वगैरह कट के नाल ही तो तेल पा देंगे, उसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें 2 दिन अगर तुम भुल गए हो ना, पासा नहीं पलटाया तो उन्हें उल्ली पै जानी है सारी। बड़ा बड़ा टेस्टी अचार उल्ली पै के ज़ाया हो जाता है। यह खालस जड़ा ना दादी माँ स्टाइल है, ये उल्ली पैन के कोई चांस नहीं है, भावें साल रख लवो भावें 1.5 साल रख लवो। ए नींबू भी ऐड किए ना, इन्हों का यह फायदा होएगा कि टेस्ट भी बनेगा और ये अचार का कलर काला नहीं पेगा, बेशक ज़्यादा देर भी पिया रहे। ये अगर देखा जाए ना तो अचार कम और दवाई ज़्यादा बन जाती, एक फायदा तो है ही, लेकिन ना ये भुनिया जाता है मसाले मतलब कच्चे आते हैं और ना ही ये घ्यो वगैरह वो चीज़ें ऐड होंगे ने, इस वास्ते सेहत को नुकसान नहीं देता बिल्कुल। जो असं बाज़ार का खाने मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाह रही, उहदे च जिन्ना मर्जी अच्छा होए चंद दिन खाने तो बाद तुहाडे सीने जलन और मुँह ते बाजू का दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। जिहड़ा घर का अचार बनाया भावें साल पूरा खाई जावो उहदी कोई टेंशन नहीं है, उन्हें उंज दा उंज ही रहना है क्योंकि साढ़े अपने घर च यूज़ किया जाता है, एस्पेशली नाश्ते टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह हुण वक्फा किया है ना, यह नीचे हल्का हल्का पानी हाले भी इहदा फील हो रहा है। तो जिहड़े लोग उस वक्त ही कट के थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद तो तेल पा देंगे ने, वो तेल अचार नूं उल्ली नहीं पैनी तो होर की होना है। इन्ना ज़्यादा पानी इहदे चों निकलिया जिहड़ा थले परात विच पिया होया ना, ये सारा पानी अचार दे विचों निकलिया है। ये परात इस वास्ते रखी सी मैं, एक मैं अपने जिहड़ा है वो देखने वालियां नूं दिखा सकां कि इन्ना पानी इहदे चों निकलदा है, तो दूसरा ये कि थले किचन विच ना गंद ना पवे। है हुण असीं पानी सारा रिमूव कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुण असीं अद्धे च अद्धा किलो तेल पान लगे इन्ने अचार च, तो यही अगर पानी रखा जाए रिमूव ना किया जाए फिर टोटली डिप करना पैंदा है कि अचार जाना कंप्लीटली जाना डिप हो जाए, ज़रा जिन्ना भी बाहर नज़र ना आवे कि मतलब तेल की जद तो अगर कोई थोड़े जिन्ना भी पीस बाहर रह जाता है ना तो फौरन सबा सबा उल्ली फट जाता है तो किसी काम का नहीं रह जाता। वो तो ये जड़ा देसी तरीका, ये हम बहुत ज़्यादा तेल जो खाने भी जाहिर दिल नहीं करता, हूँ इन्हें तेल ना भी यदा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है जी, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करया जे और मेरी वीडियो लाइक और शेयर करया करो, और जेडे लोग नवे ने मेरी वीडियो देखने वाले ने वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब मेरा चैनल लाजमी कर देन। अल्लाह पाक तुहानू ढेरो खुशियां देवे, हमेशा आबाद रहो, हंसते वसते रहो, अल्लाह ताला तुहानू हर दुख तकलीफ तो महफूज रखे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।